business, nigga. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस GTA 5। और भाई लमार हमें घर पर बुलाने के लिए आया है और किसी बिजनेस के मामले में हमें जाना है और उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है और फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। सो अभी हम जो है बंदूकें लेने के लिए जा रहे हैं, असला बारूद लेने के लिए मिशन के लिए। तो अभी हम किसी एम्यूनेशन शॉप पर जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम उस एम्यूनेशन शॉप पर आ चुके हैं। सो अभी लमार कह रहा है कि तुम जल्द से जल्द बंदूकें खरीद कर लेकर आओ ताकि हम जल्द से जल्द काम पर जा सकें। सो हमें शॉटगन और AK-47 और कुछ अच्छे अच्छे वेपन लेने हैं और हमें जल्द से जल्द लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं। Firing range is in the back and all our weapons are customizable. So guys, हमने weapons खरीद लिए हैं और काफ़ी सारी गन को अपग्रेड भी करा दिया है, लेकिन हमने उनके अंदर साइलेंसर नहीं लिए क्योंकि साइलेंसर लेने से भाई गन की आवाज़ है वो अच्छी नहीं लगती है। और अभी हमने विदाउट साइलेंसर लिए हैं सभी गन बंदूकें, काफ़ी सारी बंदूकें लॉक थी सो अभी हम नहीं खरीद पाए, लेकिन बाद में ले लेंगे। सो अभी हम रास्ते में आ रहे थे तब लमार ने बताया कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हमें ड्रग डील करने के लिए जा रहे हैं और जो ड्रग डील करने के लिए जाएंगे उसमें कोई भी रॉन्ग सिचुएशन होती है तो वहाँ पर गाड़ी चलाकर भागने में तुम्हें हमारी मदद करनी है फ्रैंकली। सो ये वो जगह है भाई जहाँ पर ड्रग डील होने वाली है। सो अभी जल्द से जल्द चलते हैं ऊपर और भाई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर होने वाली है शायद ड्रग डील। भाई ये तो डी है जिसको हमने किडनैप किया था पहले। Everything cool? Come on, man. What the fuck? Man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck? भाई हमें dumb बोल रहा है ये D. इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, भूल गया पिछली बार हमने क्या किया था। अरे यार इसने अपनी गैंग को बुलाया है हमें मारने के लिए। ओ तेरी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमने डी को मार दिया, हमने नहीं बल्कि इसने मारा था लमार के कजन ने। ओ तेरी की शॉटगन निकालते हैं और एक एक को बूम डालेंगे यहाँ से निकलने के लिए। ओ तेरी की तीन बंदों को तो हमने ढेर कर दिया है, दो और आ गए हैं छुपा हुआ है ये, जो इसके पिछवाड़े में मारते हैं। ये शॉटगन तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, चलते हैं आगे। हमें लमार को कवर करना है। उत्तरी की लमार को भाई भाई लमार जिंदा तो है तू? अरे लमार जिंदा तो है लेकिन बहुत ज्यादा भाई चोट लगी। और बंदे आ गए, लमार भाई बोल रहा है अगली बार तुम आगे जाना। शॉटगन तो बहुत खतरनाक है भाई। भाई लमार आगे आगे जा रहा है, काफी जलवा है भाई, लमार में ताकत तो है। अभी हम आगे होते हैं यहाँ से आगे क्योंकि लमार भाई काफी स्लो उतर रहा है। ये रहा, ये ले शॉटगन खा बे। वो तेरी की लोड करते रहना पड़ेगा, शॉटगन के अंदर काफी कम गोलियां बची थी। अभी चलते हैं भाई आगे, सो और नीचे नहीं जाना है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। अरे दो, ये ले भाई गोली खा। भाई उसने तो बहुत सारे बंदे बुलाए अपनी गैंग के हमें मारने के लिए। भाई हमें उसे किडनैप किया था पहले और उसकी गैंग से हम वसूलने वाले थे काफ़ी सारे पैसे, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी भाई उसने गैंग को बुला दिया अपनी को कंप्लीट हमें मारने के लिए। ओ तेरी, ये ले। मुझे AK-47 निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। सो गाइस हमने AK-47 ले लिए, ये ले AK-47 भाई सबसे खतरनाक बंदूक है, ये हाथ में आती है तो बस दुश्मन दिखाई नहीं देते हैं। ओ तेरी की ग्रेनेड पटा, हमें निकलना होगा अब क्योंकि इस जगह पे आग लग चुकी है। लमार को बोल रहा है फ्रैंकलिन तुम मुझे इसीलिए लेकर आए थे यहाँ पर। निकलने का रास्ता मिल गया हमें, यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, जल्दी आओ लमार आगे। चलो 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 चलो,
सो अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। अरे ये क्या, पुलिस भी आ गई गोलियों की आवाज सुनकर। अरे हेलीकॉप्टर गोलियां मार रहा है। सबसे पहले मैं इस हेलीकॉप्टर को ही निपटाते हैं यहाँ से। सो फाइनली भाई पुलिस भी आ चुकी है इस मैटर के अंदर। अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया है, दूसरा हेलीकॉप्टर भी शायद जल्दी आने वाला है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा यहाँ से। और इस सामने की साइड से दूसरा हेलीकॉप्टर आ चुका है। अरे इस हेलीकॉप्टर को भी देखते हैं पहले, यहाँ से निकल जाएं एक बार। हेलीकॉप्टर को संभाल लेंगे बाद में। ये यार ये लाइट मारकर फोकस डाल रहा है, रुक पहले इस हेलीकॉप्टर को ही निपटा लेते हैं अभी। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, दीवार टाप लेते हैं यहाँ से। अरे कितने कितने खराब तरीके से यार दीवार को उठता है ये फ्रैंकलिन। सो हमने गाड़ी वाले को मारकर भाई गाड़ी को छीन लेते हैं। जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। पुलिस से भाई पीछे छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी हम एक पार्किंग एरिया में आ गए हैं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि पुलिस इस गाड़ी को ढूंढ रही है और हम पुलिस से कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं अभी। सो गाइस हमने एक 4-सीटर गाड़ी उठा ली है और अभी जा रहे हैं हम सीधा अपने घर पर। और इस गाड़ी को हम कलर करा कर भाई और इसकी नंबर प्लेट चेंज कर कर बेच डालेंगे। सो भाई जब भी लमार हमें किसी ना किसी मिशन पर लेके गया भाई, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और यार इस लमार के साथ और मिशन करने में बहुत रिस्क लगता है मुझे। सो अभी भाई घर आ चुका है, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और ये दोनों अपने घर पर जाएंगे और हम अपने घर पर जाते हैं। Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. भाई फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बोला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वाराना, यानी कुछ पैसे भी नहीं कमाए और इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले थे हम, लेकिन फाइनली हम पुलिस से बचकर भाग कर निकलाए। सो गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। सो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।